नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी दाल वाली। इसके लिए मैंने लौकी ले ली है, एक छोटी सी चना की दाल है 1 टेबल स्पून, और 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं। पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा, जब जीरा तड़क जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे लौकी जो कि काट के रखी है हमने, चना दाल जो मैंने करीब 1 घंटा पहले भिगो दी थी, तो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि दाल अच्छे से गल जाए। अब हम इसको प्रेशर कुक के लिए रख देंगे करीब 4-5 सीटी। चार पांच सीटी मैंने तेज आंच पे लगाने के बाद उसको थोड़ी देर धीमी आंच पे छोड़ दिया था। देखिए दाल एकदम गल गई है, लौकी का कलर भी खूब अच्छा आ गया है। आप चाहें तो ऐसे एज इट इज़ खा सकते हैं, तैयार है। और पानी को सुखाना चाहें तो थोड़ी देर इसको और मतलब उबाल लीजिए और इसका पानी सुखा दीजिए। अब हम इस पे फाइनली डाल देंगे 1 चुटकी गरम मसाला। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, दाल के रूप में और ढोले के साथ खा सकते हैं। चना दाल वाली लौकी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो फिर आप भी बनाइए, खाइए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।